बैठे रहे, आनंद ले, एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगा दें। बोली भारत माता की, माता की, जय जय। पूरा सुनना समझ में आएगा, क्योंकि हर कलाकार का आज अलग अलग अंदाज होता है गाने का। मैं अपने अंदाज में गाऊंगा, यदि कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कान में आके बोल देना, ऐसा नहीं कोई बीच में खड़ा होकर कोई मना कर दे, कोई टोक दे, बाकी आपका जैसे आदेश है। ये भजन में गा दूं, उसके बाद में माँ की ममता में आपको सुनूंगा, बहुत सुंदर। और कई अपना बुजुर्ग लोग भी बैठा है आज, कई देसी भजन, पुराना भजन भी अपना गावाला, अभी टाइम पड़ा, आप बैठे रहना, मैं सुबह तक गाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल गारंटी, आरती 4 बजे कर देंगे, बाकी सुबह 6 बजे तक रुकूंगा, आप बैठे रहना, जय हो, आप ऐसे ही रहना, जय हो। क्या बात, आपने तालियां बजाई, मैंने बोला आरती 4 बजे कर दूंगा मैं, लेकिन हाँ जी 6 बजे तक रुकेंगे हम यहाँ पे, ये सारा टेंट में इकट्ठा करके जाएंगे, जय हो। जननी जने तो एड़ा जम, जननी जने तो एड़ा जम, भक्ति दाता की सूर नीत रही जी बांझड़ी, थारो मती गमाजे नू, थारो मती गमाजे नू, जननी जने तो चार जना, निमत जन जे 40, हाँ जी वे चारू रण जूझना, जू चारो राहे 40, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि कलम की धार तलवार की धार से भी तेज होती है साहब। तो कवि ने लिखा है क्या, जननी जने तो एड़ा जन, भक्त दातार संत या सूर, नीतर रही चे बांजड़ी, थारो मती गमाजे नूर। कवि आजी मां से कहता, बोले हे मां, तू यदि कोई थारे कोक्षु कोई पुत्र कोई औलाद कोई संतान जने, चार तरेरी जन, या तो संत जन, या अजी भक्त जन, या दातार जन, या सूरवीर जन, अन्यथा तू थारी कोक ने खराब मत कर। अजी यदि संत जने तो मारे टांगला रमने कृष्णदास जी महाराज, आज नर हरिदास जी महाराज, चाहे चाहे कबीर, चाहे आज संत तुलसीदास जी महाराज या रविदास जी महाराज, जड़ा संत जने, भक्त जने तो मीराबाई जड़ी जने, और धना भक्त जेड़ा जने, और दातार जने तो राजा हरिश्चंद्र जेड़ो जने, और सूरवीर जने तो सूरवीर महाराणा प्रताप जेड़ो जने। बजाओ एक बार सूरवीर के लिए तालियां साहब। यदि सूरवीर जने तो महाराणा प्रताप जेड़ो जन, जिसने अपने मेवाड़ की भूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मेलों को छोड़ दिया और जंगल में जाके हरे घास की रोटी खाना भी कबूल कर लिया साहब, अपने धर्म के लिए। हम लोगों के अरे शरीर में आज भी उनका डीएनए है साहब, आज भी उनका रक्त हमारी नसों में दौड़ता है साहब, लेकिन कोई उस रक्त को जगाने वाला हो तो। जननी जने तो चार जन, मत जन 40, चारू रण में जूझनार चारो रा 40, सूरवीर बेटा होए तो मारे चार ही घणई है,
धोलिया के रा 40 जन्म जो पद में बिक बिक बेकी कामरा नहीं है जने तो कोई एड़ा जन एड़ा मत्ती जन केड़ा जननी जने तो एड़ा जन के उबार के गुब्बा इशा तो सपना में ना जनी जननी जने तो एड़ा जन के उबार के गुब्बा चारिया छोड़ दुबई की यार बट्टी भैंसे में उबा तो बेटा बाबे तो अठी घनी गांव में अठी चला ले तो फेर बट क्या मी गयो तो सूरवीर जने तो सूरवीर पथीरा चौहान जेड़ो जने सूरवीर माना प्रताप जेड़ो जड़े और देश भक्त जने तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जेड़ो जने साहब आ राजस्थान री धरती संत सूरमा री सतीश अनि जत्यो री धरती सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजा केसरिया बालम आवो नहीं पदारो मारे देश ये वो राजस्थान की धरती साहब इस राजस्थान की धरती पर इस राजस्थान के लोगों का खून महंगा अजी खून सस्ता है पर पानी महंगा है साहब अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपने धर्म के लिए अपनी संस्कृति के लिए उन लोगों ने बलिदान दे दिया साहब तब जाके हम लोग आज आजाद हैं ये उन लोगों की देन है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किन के वंशज हैं साहब आज के लोगों की जवानी बोतलों में कैद हो रही है साहब आजकल के लोगों की जवानी बोतलों में कैद हो रही है लेकिन उन लोगों का सपना क्या था सुन जननी जन चेड़ो महाराणा प्रताप प्रताप हो जी अकबर सूतो ओ जगे जुजान सिराने सांप जननी जने तो एड़ो जन चेड़ो सूरवीर महाराणा प्रताप अकबर सूतो ओजगेर जान शिराने सांप मुगल बादशाह अकबर की भी नींद उड़ा दी थी मेवाड़ भवन के लाल हिंदुमान रो अजी सूरज कणकण रो सितारो एक लिंग दीवान सूरवीर माणा प्रताप ने अकबर को भी नींद से खड़ा कर दिया था स्टैंड अप तेरा काल आ गया अकबर भी दूसदो के मारो काल मन कद खत्म कर देला आज वो सूरवीर इस धरती पर है नहीं सा कवि माधव जी तरंग ने लिखा है मेरे परम श्रद्धेय मेरे आदर्श मेरे गुरुदेव श्री प्रकाश जी माली ने इस रचना को गाया है उसी अंदाज में गाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी हल्दी घाटी में समर लगा हल्दी घाटी में समर लगा वो चेत किरो असवार कठे हो ताले बजा रहा सभी लोग मायड़ था तो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी मायड़ थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में युद्ध लड़ियो वो चेतक रो सवार कठे
माइड थारो पूत कटे वो महाराणा, वो महाराणा प्रताप कटे। इस भारत की भूमि पर आज महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर नजर नहीं आ रहे हैं। वो है कहां? तो कवि माधव जी ने लिखा है, मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है इतिहास में, मायड़ थे एड़ा पूत जन्या, धन पान लजायो नीथारो, धन पान लजायो नीथारो, रणवीरा वे सरदार बन्या। क्यों नहीं डरना हरियो अकबर री से नारे आगे, हिंदुआ सूरज में मार रतन, हिंदुआ सूरज में मार रतन, वो महाराणा प्रताप कटे, बताया गया है उनके शब्दों पे थोड़ा गौर करना। यदि आपको शब्द समझ में आ गया तो वास्तव में आपको लगेगा कि देशभक्ति क्या और हम लोगों ने अपने देश के प्रति क्या दिया है। सुनना सभी, मैं बात जो है इतिहास में माइडेड़ा पूत जनिया, मैंने इतिहास में पढ़ा है, मां ने अपने बेटों को जन्म दिया अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए हंसते हंसते वीर गति प्राप्त हो गए। हजारों माओं ने अपने बेटों को खो दिया, हजारों वीरांगना विधवा हो गई, हजारों बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया साहब, इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए। धन पान ले जायो नीथारो, रणवीरा वे सरदार बढ़िया, बेरिया रे मनसु पाटीला, सारा पड़ गया उनरे आगे, वो झुकियो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना। अकबर री सेना, अकबर की सेना कितनी बड़ी थी उसके सामने भी झुका नहीं था। अकबर बड़ा था, अकबर चाहता तो माणा प्रताप को हरा भी सकता था, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई थी। अकबर बोलता कि ये माणा प्रताप मुझे बादशाह माने, लेकिन माणा प्रताप ने कहा मेरी नजर में अकबर बादशाह नहीं है, मेरी नजर में कोई बादशाह है तो वह मेरा भगवान भोलेनाथ है, अकबर मेरी नजर में बादशाह नहीं है साहब। अब आ माटी हल्दी खाटी री, आ माटी हल्दी खाटी, हेलो माता बहनों से निवेदन है, आपको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भजन के बीच में मजा हुआ, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूं गाने में, आपसे निवेदन, ये भजन सुन के आप जा सकते हो, थोड़ी देर का वक्त है, बैठे रहे आराम से, भजन पूरा होने के बाद आप उठ जाना, बीच में मत उठो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। आ माटी हल्दी खाटी री, लागे केसर और चंदन है,
माथा पर तिलक करो इन रो इन धरती में नित वंदन है। यारण भूमि तीरथ भूमि हो, आरण भूमि तीरथ भूमि दर्शन कर बाजी ललचावे। उन सूर वीर योद्धा मारी यादा जग जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त जी तकरी महाराणा जो सुरवीर है उनसे निवेदन है, कार्य लोगों से मेरा कोई निवेदन नहीं। वो महाराणा हल्दी घाटी में सुमर लड़ो, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब उनको शेरों की दहाड़ का, देना जवाब उनको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू इन जग की और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखी और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े समय कितना संघर्ष भरा रहा होगा साहब, वो समय कितना कठिन होता होगा। माणा प्रताप की पत्नी जब माणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो चेतक को आके बोल रही, चेतक तेरे पे जो सवार होके जा रहा है ये मेरा सुहाग है और मेरा तेरे से करबद्ध निवेदन है कि मेरे सुहाग को खत्म मत होने देना। क्यों? क्योंकि यदि मेरा सुहाग खत्म हो गया तो मेरा बसा हुआ मेवाड़ उजड़ जाएगा, मेरे सुहाग को खत्म मत होने देना। आज वो सूरवीर सिर्फ किताबों में इतिहासों में रह गए साहब, आज वो सूरवीर किताबों में रह गए। हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया कि महाराणा प्रताप महान था, नहीं पढ़ाया हमें, हमें ये पढ़ाया कि अकबर महान था। अरे जिसके डर से अकबर को नींद नहीं आती थी साहब तो वो महान कैसे था। महान तो मेरा महाराणा प्रताप था है और हमेशा हमेशा रहेगा। हमारा आइडियल महाराणा प्रताप हो सकते हैं, अकबर हमारा आइडियल नहीं हो सकते साहब।
तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, बॉर्डर तो दूर की बात है। पहले अपने लोगों के साथ प्रेम से दो दिन की जिंदगी निकाल लो, बस यही सबसे बड़ा ही आज बलिदान है हमारे लिए। एक दूसरे को प्यार से रखो, और मैं मानता हूं प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं साहब, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम है तो हम सभी यहां पर इकट्ठे हैं साहब, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से जी लो यार, दो दिन की जिंदगी है। उन सूरवीरों के नाम पे जो आज की आवश्यकता है, कवि माधव ने लिखा है, सुनना बड़े गौर से। ए आज तीसरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुस बेटा भारत सीमा में, भारत सीमा में घुस आया। आज तीसरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुस बेटा भारत सीमा में। याद करो वो समय, पाकिस्तान वाले हमारे हमारे देश की सेना के साथ में घुस के हमारे देश के फौजी भाइयों का सर काट के लेके जा देते थे। सोचो उनके घरवालों पे क्या बीती होगी, जब किसी का बेटा बोर्ड पे है और उसके बेटे का यदि शीश नहीं रहे तो उसकी पत्नी पे क्या गुजरेगी साहब। लेकिन वो समय गया, अब आज का ये नया भारत है, चिन्ना ठोके जाता है और एक के बदले दस दस सिर लेके आता है साहब। ये मेरा नया भारत है साहब। हम आज नए आज ही भारत के साक्षी हैं सभी, अपने देश के आज अपने देश के ऊपर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और देश रहा तमाम लोगों ने कह दो ये लोगों, भारत तेरा वीर जमाना थे, भारत तेरा वीर जमाना थे, जाने वो सबक सिखा दीजो। थे हो प्रताप का ही वंशज, जाने आबाद बता दीजो। यो कश्मीर भारत का है, यो कश्मीर जो नहीं बोल रहे उनका सपोर्ट पाकिस्तान को है क्या? यो कश्मीर जो लोग बोलते थे ना धारा 370 को हम छूने नहीं देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे, आज वो हट गई और कश्मीर में हमारे देश का तिरंगा शान शौकत से लहरा रहा साहब। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर थोड़ा जोश के साथ बोलो, यो कश्मीर आटा नहीं खाया क्या? कश्मीर कुण आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो पूत करे। दोनों हाथ बुला के बोले भारत माता की नगी, वो एक लिंग दीवान कठे, वो बेवा
ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੱਟੇ ਹਲਦੀ इश्क बने चिंगारी हे एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी हे एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी वो डर जाए दुनिया ऐसा डर जाए दुनिया ऐसा अंजाम चाहिए ओ सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए एक और देखो क्या बात है सीखो आप इनसे कुछ खाली तालियां बजाने से काम नहीं चलता है एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण अभी तो एक गया है और अब की बात तो गाड़ी पलटनी बाकी है अभी अगली बार गाड़ी पलटनी बाकी है साहब एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण रावण अभी बहुत ऐसे ऐसे बहुत रावण बैठे हैं साहब अभी तो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं मिल से एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण ना रहेगी बंजर भूमि अब बरसेगा सावन ना रहेगी बंजर भूमि अब बरसेगा सावन पाकिस्तान में श्री राम वाला नाम चाहिए सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए कोटा बूंदी कदी अनजानी चंबल के वे आज कहानी अधरती धोरानी अधरती 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 धोरानी अधरती धोरानी अधरती धोरानी धोरानी आ तो सुरगा ने शर्मावे आ तो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमण धरती धोरारी धरती धोरारी
चलने दो या रुकूं? चलो ठीक है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिल को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिल को जीता है। पावन है लोग यहाँ, चारिया के कितने ब्यूटीफुल दीवाने मस्ताने हैं लोग यहाँ, चारिया के कितने पावन है लोग यहाँ। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की। सनातन धर्म का रखवाला हूँ, सनातन की बात, हिंदू धर्म का रखवाला हूँ, हर हिंदू की बात। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। रीत जहां की प्रीत सदा, ये प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही भी गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, भारत का रहने हो। देश से प्रेम तो हर पल कहना चाहिए, पल मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप अठे। पाड़ी बजाओ। समझ में आ गई तो हमारा जीवन सफल है। कुण भूली लो राणा नीचे तक और हल्दी घाटी ने, कुण भूले लो राणा नीचे तक और हल्दी घाटी ने, वीर शिवा सो सूर कटे दुनिया पूछे इन माटी ने, वीर शिवा सो सूर कटे दुनिया पूछे इन माटी ने। रणचंडी रो मोड़ दुर्गी मौत भी रोज निहारती, जो हरी लपटाने रोज निहारती, जो हरी लपटाने रोज निहारती। भारत मारो देश फूटी रोवे के धन धन भारती, भारत मारो देश फूटी रोवे के धन धन भारती। बोलो जे जयकार उतारो आरती, बोलो जे जयकार उतारो आरती। भारत मारो देश फूट रोवे के धन धन भारती, के धन धन भारती। बोलो जे जयकार उतारो आरती। सोनेरी सोनेरी चिड़कली, क्या बात है, क्या बात है। राजवीर जी बानी सिया से आए,
इन्होंने खूब प्रेम दिया था सर, मैंने बानेसरिया में कार्यक्रम किया था, ये जयपुर से आए मेरे लिए, ये प्रेम है सर, यही मेरा सच्चा गाना है, यही मेरा बजाना है। और 500 रुपए मेरे फोन पे है, और अगली बार की बानेसरिया की बुकिंग एडवांस में, बजाओ एक बार तालियां इनके लिए, क्या बात, ये होता प्रेम, हम तो प्रेम के भूखे सर। और पूजा राजा जी आपको तो पता है, और मैं रियली मेरी सच्चाई बता देता हूँ कसम से, क्योंकि ये मंच भगवान का है, इससे बड़ा कोई मंच नहीं है। और यदि यहाँ पे आदमी झूठ बोलेगा तो भी सच कहाँ बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं भी गया मैं ज्यादा कोई वायरल कलाकार नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है, हम तो दीवाने साहब, हम तो अपना झोला लेके निकल जाएंगे, जय हो, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे, तो फिर हम तो उनके मार्ग पे चलने वाले हैं। और रियली मैं कलाकार बन के जाता ही नहीं हूँ, क्यों, कलाकार मैं नहीं हूं, कलाकार तो वो परमात्मा है जिसने हमें बनाया है, आज कलाकार तो ओरिजिनल में वो भगवान है जिसने हमें ये बोलने की शक्ति दी है, उससे बड़ा दुनिया में कोई कलाकार नहीं। और जो कलाकार बन के जाता है, दो दो चार चार बॉडीगार्ड साथ में रखता, मैं उसको कलाकार नहीं मानता, मैं दिल से कहता हूं साहब, तो साथ में हजारों की भीड़ होती है, बॉडीगार्ड रहते हैं, मैं उनको कलाकार नहीं मानता हूं, कलाकार तो वो होता है जो सादगी से अपनी जिंदगी जीता सबके साथ, वो कलाकार है। और कलाकार बन के जाना ही नहीं है, यदि कहीं गए तो यदि उस गांव में 20 कार्यकर्ता है तो 21वां कार्यकर्ता महावीर सांकला है, बस यही हमारा आना सर। सोनेरी चिड़ा की लिए ओ प्यारो मारो दे सड़ लो, सोनेरी चिड़ा की लिए ओ प्यारो मारो दे सड़ लो, आरण वीरारी खान ये जगती अग्वाणी रे, ये रणवीरारी खान जगती अग्वाणी रे, वो महाराणा प्रताप अठे चेत करो असवार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे हे 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 हे